बोलो भारत माता की, हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक साथ हाथ उठा कर वहां के लिए ज्यादा अच्छा लगेगा। पुलिस भी खड़ी हो गई है रैली की तैयारी जो है, कब ये रैली निकालेंगे करके। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, आज आप सभी हमारे बीच राजधानी रायपुर में अनिश्चितकालीन आंदोलन के छठवें दिन उपस्थित हैं, और आज इस मंच में विराजमान भाई संजय शर्मा जी, विकास राजपूत जी, और हमारा भी अभी समर्थन करने वाले बड़े भाई अनिल शुक्ला जी की टीम, और जितने भी संघ के प्रांतीय पदाधिकारीगण हैं, उनका मैं अभिवादन करता हूँ, वंदन करता हूँ, और आज राजधानी चुकी में यही रहता हूँ, स्वागत भी करता हूँ। साथियों, आज जो स्थिति निर्मित है पूरे प्रदेश में, निश्चितकालीन अनिश्चितकालीन, और अधिकांश लोगों के मन में है निश्चितकालीन अनिश्चितकालीन क्या है। आप जैसा कि जानते हैं कि अनिश्चितकालीन आंदोलन हम एकाएक शुरू नहीं किए, लगातार वार्ता करते रहे, क्योंकि प्रदेश का शिक्षक वर्ग जो है वह लड़ाई लड़ने में बाहिर है। कैसा लड़ाई लड़ना है, किस तरीके से रणनीति बनाना है, और कैसे जीतना है, और आज इसीलिए हम लोग आज नियमित शिक्षक है, जिस पर सभी सुविधाएं आज हमको मिल रही है, और यह परिणाम सिर्फ आप लोगों के कारण है कि आप लोगों ने हमेशा हमारे ऊपर भरोसा किया, और आप लोगों के भरोसे को हमने कायम रखा। लगातार बातचीत, 10 से 15 दिन तक बातचीत, ऐसी क्या परिस्थिति निर्मित हो गई कि आप अनिश्चितकालीन आंदोलन नहीं चाहते। और यदि आप कहते हैं मेरे साथ 70 है, मेरे साथ 75 है, मेरे साथ 80 है, तो जब तीन आंदोलन है, आंदोलन अनिश्चितकालीन आंदोलन के साथ साथ प्रांतीय रैली की घोषणा की, एक दिन पहले आदेश क्यों निकला। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं मुझे यह प्रतीत होता है कि कहीं आपका आंदोलन प्रायोजित आंदोलन तो नहीं था। 5 दिनों तक कोई निलंबन नहीं, कोई बर्खास्तगी नहीं, कोई आदेश नहीं, लेकिन जैसे ही हम लोगों ने क्रांतिकारी रैली की घोषणा की, एक हमको डराने के लिए, धमकाने के लिए, हमारे आंदोलन को कुचलने के लिए आदेश निकल गया कि जो स्कूल नहीं जाएगा उसका वेतन काटा जाएगा। इसका मतलब यह है कि आप लोगों की क्षमता वो ज्यादा है, लेकिन आपकी क्षमता और समर्थ जो बना हुआ है उसको बनाए रखिए। साथ ही साथ हमारा अनिश्चितकालीन आंदोलन में जिस तरीके से आप लोगों का सहयोग मिल रहा है, यह जारी रखे, और ये भी आपको हम भरोसा दिलाते हैं, एक चीज याद रखिए आप कि भीड़ से कोई मांग पूरी नहीं होती। इस एक कुशल रणनीति चाहिए, नियत चाहिए, और यदि नियत में खोट है तो कभी मांग पूरा नहीं होगा, और ये हुआ है। कहीं ना कहीं हमारा मन साफ था, उन्होंने कहा कि हम घोषणा कर चुके हैं, हम हमारा नियत देखिए, हम उसी तिथि से अनिश्चितकालीन की घोषणा किए ताकि अच्छा माहौल बने, अच्छा दबाव बने, लेकिन सरकार तो समझी, लेकिन हमारे बीच के साथी मैदान छोड़ के भाग गए। तो कहीं ना कहीं जो स्थिति निर्मित है इसको हमको समझना है, अपने स्कूलों में जाके जब भी हम लौटेंगे लोगों को समझाना है, और ये भी हुआ है पूरे आंदोलन के दौरान, क्योंकि हमारा कोई निश्चित जगह नहीं था, इसलिए बहुत सारे लोग भ्रमित होकर उनके मंच में गए। अब मैं माननीय भूपेश बघेल जी से इस मंच के माध्यम से आंदोलन को धक्का लगा है, हम चाहते हैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप प्रदेश के शिक्षकों से, जो शिक्षक अभी से शिक्षक बने, उनकी परीक्षा मत लीजिए। हमारा धैर्य 4 साल तक हमने धैर्य बना के रखा था, लेकिन यदि आप परीक्षा लेंगे तो आज तक 2 सरकार फेल हो चुकी है, आप भी फेल हो जाएंगे, और हो सकता है विपक्ष में आप बैठेंगे। ज्यादा नहीं है, बहुत जल्दी रैली निकलेगी, पानी भी बरसात करने वाला है। भूपेश सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, भूपेश सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आके बात करो, बात करो, बात करो, होश में आके बात करो, बात करो, बात करो, बात तो तुमको करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी, बात तो तुमको करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी, मांग तो पूरा करना होगा, करना होगा, करना होगा, मांग तो पूरा करना होगा, करना होगा, करना होगा। से आपकी मांग पूरी होगी, कैसे होगी, जब आप ऐसे एकता में के सूत्र में बंधे रहेंगे,
और हमारा प्रयास पहले भी था अभी भी है कि पूरा एक मंच एक बैनर और वो बैनर निष्पक्ष रहे। अभी लगातार चर्चा चल रही है।